हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर में बसंत आगमन की खुशी में होली के दूसरे दिन से फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये उत्सव पहाड़ी समृद्ध संस्कृति और दैवीय परंपरा का भी परिचायक है। इस उत्सव में देवी परंपरा को सर्वोपरि रखते हुए मेले का आयोजन किया जाता है। चार दिवसीय फाग उत्सव में शरीक होने के लिए रामपुर क्षेत्र के प्रमुख देवता हिस्सा लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर में बसंत आगमन की खुशी में होली के दूसरे दिन से फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये उत्सव पहाड़ी समृद्ध संस्कृति और देवीय परंपरा का भी परिचायक है। इस उत्सव में देवीय परंपरा को सर्वोपरि रखते हुए मेले का आयोजन किया जाता है। चार दिवसीय फाग उत्सव में शरीक होने के लिए रामपुर क्षेत्र के प्रमुख देवता हिस्सा लेते हैं। परम्परा के अनुसार हर रोज देवी देवता देवलुओं के साथ पारंपरिक वेशभूषा में देव वाद्य यंत्रों की धुनों में रामपुर बाजार में निकलते हैं। उसके बाद राज दरबार पहुंचकर राजगद्दी को आशीर्वाद देने के साथ ही देव मिलन और देव नृत्य होता है। इस दौरान लंबी कतारों में देव वाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य चलता रहता है। इस मेले का आयोजन नगर परिषद रामपुर द्वारा किया जाता है। इस मेले को बसंत आगमन की खुशी में मनाया जाता है, क्योंकि पौराणिक काल में सर्दियों में लोग यातायात एवं संचार साधनों की कमी के कारण एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते थे। बर्फबारी से स्थिति बिकट होती थी और मौसम खुलते ही एक दूसरे का हाल जानने के लिए भी इस मेले में आते थे। मेले में दुख सुख बांटने के साथ हाल जानते थे और उसके बाद अपने अपने गांव में जाकर कार्य में जुट जाते थे। ये मेला आपसी मेलजोल का केंद्र भी रहता था। नगर परिषद अध्यक्ष सुमन काका ने बताया कि ये मेला पारंपरिक व देव आस्थाओं से जुड़ा है। ये सदियों से मनाया जा रहा है। मेले में काफी संख्या में देवी देवता आते हैं। इस बार देवी देवता और अधिक बुलाकर मेले को भव्य बनाने का प्रयास किया गया। इस मेले में लोगों की आस्था जुड़ी है और इस दौरान देवी देवता आपस में मिलते हैं और लोगों का भी मिलजोल का मौका मिलता है। ये एक पारंपरिक मेला है जो काफी सदियों से चला आ रहा है, जिससे सभी लोगों की एक आस्था जुड़ी है देवी देवताओं के प्रति। इस साल हमने देवी देवताओं की जो संख्या है बढ़ाकर 20 कर दी है, तो लोग इसमें काफी संख्या में आते हैं और लोगों का जो आस्था है, लोगों की जो रीति रिवाज है, उस हिसाब से यहाँ पर आते हैं और देवी देवताओं से अपनी अपनी मन्नतें मांगते हैं और लोग बहुत खुश होते हैं इस चीज के लिए। पार्षद कर्ण शर्मा ने बताया कि ये मेला सदियों से चला रहा है। इस मेले का आयोजन बसंत आगमन की खुशी में किया जाता है। इस बार डेढ़ दर्जन से अधिक देवी देवता आ रहे हैं और एक देवी देवताओं से जुड़ा विशुद्ध पारंपरिक उत्सव है। मेरा नाम करण है, मैं काउंसलर हूँ नगर परिषद रामपुर का। और जो आप जैसे कि आप सबको पता है, ये मेला ऐतिहासिक है और ये मेला बसंत आगमन पर मनाया जाता है, जिसमें कि सभी देवी देवता दूर दूर से आए मिलते हैं और साथ में जो भी गांव गांव के लोग हैं वो सब आकर मिलते हैं। और ये पारंपरिक मेला है, ऐतिहासिक मेला है ये।